एक लंबे समय पहले एक गांव में एक कपड़े वाला रहता था। उसका नाम दीपू था। दीपू हर रोज उसके बनाए हुए गर्मियों के कपड़ों को चार पहिए वाली गाड़ी पर गांव में बेचता था। दीपू के कपड़े वैसे तो बहुत बिकते थे, लेकिन सर्दियों में गर्मी के कपड़े नहीं बिकते थे। सर्दियों में कपड़े ना बिकना दीपू को चिंतित करता था। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता और दो बच्चे एक गेंद के साथ खेल रहे थे। उस कुत्ते पर लगे धब्बे और उस गेंद के 12 रंगों जैसा, अगर मैं भी कपड़ों को बनाने में इनका इस्तेमाल करूं तो? दीपू अपने ऐसे विचार के अनुसार अलग अलग कपड़े बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले कपड़ों में डिजाइन बनाने के लिए जरूरी सामान लाता है और रंगों को इकट्ठा करता है। एक एक कपड़े को अलग तरह का बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करता है। लगाए हुए रंग मिटे ना, इसके लिए उनको भाप देता है। इस तरह अलग अलग तरह के कपड़े बनाता है। दीपू तरह तरह के कपड़े बनाकर उनको चार पहिए की गाड़ी पर रखकर गांव में ले जाता है बेचने के लिए। दीपू के पास अलग अलग कपड़े देख गांव के सारे लोग आकर्षित हो गए और उस तरह सर्दी का मौसम होते हुए भी दीपू के गर्मियों के सारे कपड़े बिक जाते हैं। दीपू का व्यापार अच्छा चलने पर उस पर नीतू नामक एक और कपड़ा व्यापारी की नजर पड़ती है। ओहो, यह है वो आदमी जिसके कारण मेरा व्यापार सही से नहीं चल रहा। कपड़ों पर अजीब तरह के चित्र डालने पर ऐसे बिक जाते हैं क्या? अब बिना किसी देर के इसका काम तमाम करना होगा। ऐसे नीतू दीपू के प्रति ईर्ष्या पैदा करने लगी और सोचती है उसका व्यापार ठीक चलाने के लिए दीपू के व्यापार में मुश्किल खड़ा कर दें। दीपू के नए प्रकार के कपड़े की तरह वह भी चीजें तैयार करती है और काम करना शुरू कर देती है। काम में व्यस्त नीतू को देख उसका पति, अरे कैसे इतनी देर कपड़े बनाते रह जाओगी? तुम तो वैसे भी कह रही थी कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर इतना कष्ट लेने की जरूरत क्या है? अरे हमारे गांव में दीपू नाम का एक कपड़े बनाने वाला है। सर्दियों के मौसम में गर्मी के कपड़े बिकते ही नहीं, लेकिन उसके पास रंग बिरंगे अलग प्रकार के कपड़े देख सब लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं भी उसी प्रकार के कपड़े बना रही हूँ। अच्छा, परंतु तुमने अगर उसके जैसे ही कपड़े बनाए तो इस बात का क्या यकीन है कि लोग तुमसे भी उसी प्रकार खरीदेंगे? इसीलिए मैंने इसका उपाय सोचा है। ऐसा कहकर अपने पति को वह सब समझाती है। अपने पति के साथ नीतू रात को दीपू के घर जाती है। दीपू वहाँ कपड़े बनाना खत्म करके परिवार के साथ भोजन के लिए दूसरे कमरे में जाकर बैठता है। यह देख कपड़ों वाले कमरे की खिड़की को खोलकर वह अपने पति को अंदर भेजती है। उसका पति अंदर जाकर एक एक करके सारे कपड़े बाहर खड़ी नीतू को दे देता है और वहाँ के सारे कपड़े गायब कर देते हैं। दीपू जब अगले दिन हर रोज की तरह अपने कपड़ों को देखने उस कमरे में जाता है तो वहाँ एक भी कपड़ा न दिखने पर तुरंत सारे घर में ढूंढने लग जाता है। विमला, विमला कहाँ हो तुम? इस कमरे में एक भी कपड़ा नहीं है, सब गायब हो गए हैं, जल्दी इधर आओ। सब चिंता में पड़ जाते हैं। दूसरी ओर दीपू के घर से लाए हुए सारे कपड़े नीतू अपने घर में छुपा देती है। पर वो और भी ऐसे कपड़े बनाकर बेच सकता है, तब तुम क्या करोगी? यह सारे कपड़े बनाने के लिए उसे कम से कम 4 दिन तो लग ही जाएंगे, पर यह 4 दिन बस है मुझे अपने कपड़े बेचने के लिए, नीतू ऐसा कहती है।
नीतू की बेटी घर के पीछे खेलते खेलते रंग बिरंगे कपड़े और चित्र की ओर आकर्षित होती है और उसमें से एक पोशाक निकालकर पहन लेती है और खेलते खेलते घर के बाहर गली में चली जाती है। उसी गली में साइकिल पर गुजरते हुए दीपू अपने बनाए हुए कपड़े एक बच्ची पर देखता है और वह रुक जाता है और तुरंत बच्ची के पास जाता है और पूछता है, बेटा तुम्हारे पास ये पोशाक कहाँ से आया? मेरे घर के पीछे बहुत सारे कपड़े हैं, उसमें से ली। मुझे भी वहाँ ले जाओगे? ऐसे नीतू के घर के पीछे दीपू जा पहुँचता है। दो दिन पहले गायब हुए सारे कपड़े वहाँ पर दिखाई देने पर दीपू चौंक जाता है और उसी समय अपने बच्चों को घुमाने के दौरान नीतू भी वहीं चली आती है और दीपू को देख घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वह सोचती है कि दीपू को सच का पता लग गया। नीतू के ऐसे घबरा कर चले जाने पर दीपू को समझ आ जाता है कि उसने इन सारे कपड़ों को चुराया है। सच पता लगने पर दीपू दुखी हो जाता है और सोचता है कि कपड़ों पर चित्र के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं और इसीलिए नए प्रकार के कपड़े बनाने के लिए निश्चय करता है। वह केवल अलग अलग चित्र पर ध्यान ही नहीं देता बल्कि एकदम अलग प्रकार के कपड़े बनाना शुरू कर देता है। बहुत ही आकर्षक तरह के कपड़े बनाता है, मोटरसाइकिल पर बारिश के समय पहनने वाले कपड़े और धूप से बचने के लिए अलग प्रकार के कपड़े, छोटे बच्चे के लिए भी, होटल में वेटर के लिए अलग तरह के कपड़े और एकदम अलग प्रकार के कपड़े बड़े आकर्षक रूप में अलग अलग रंगों में बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। ऐसे उन नए प्रकार के कपड़ों को बेचने के दौरान एक दिन दीपू को नीतू दिखती है और नीतू तुरंत शर्म से अपना मुंह मोड़ लेती है और वहाँ से चलने लगती है। रुकिए बहन जी एक मिनट। दीपू के उसको बहन जी बुलाने पर नीतू को समझ में आता है कि वह उस पर गुस्सा नहीं है और वह पीछे मुड़ती है। आप बस एक बार बोल देते कि मेरे व्यापार की वजह से आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, मैं समझ जाता और पड़ोसी शहर में जाकर अपने कपड़े बेचता। अभी भी देर नहीं हुई है, आपने जैसा सोचा वैसे ही चित्र के कपड़ों का व्यापार चलाइए। मैं अपने अलग प्रकार के कपड़े बाकी के अलग शहरों में बेचूंगा। तुम्हारे व्यापार को मेरे व्यापार से कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम खुशी खुशी अपना व्यापार यहाँ चला सकती हो। मैंने गलती कर दी भाई साहब, अगर आपसे पहले ही बात कर लेती तो शायद इसका उपाय तभी मिल जाता, पर मैं अपने स्वार्थ के कारण खुद शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे नीतू और दीपू अपने अपने व्यापार को चलाते हैं और खुश रहते हैं।